दैवंती का घर मैंने खरीद लिया है मात्र 23 करोड़ रुपए में, एंड घर में एंट्री हो चुकी है। अब हम सब मिलके एक घर के नीचे रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, लाइक आई हैव ए फैमिली। हाँ, जैसे कहते हैं ना, सास बहू में कभी बनती नहीं है, तो इसीलिए किच किच इन दोनों के बीच में रहेगी। बट बेबी भी आ रही हैं, एंड बेबी जो हैं, जो मेरी मॉम की सास हैं, उनके बीच में किच किच है। तो आई थिंक बहुत तीनों के बीच में जब किच किच होगी तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक होगा। बट मैं इनसे यही बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट बेबी के सामने अच्छी बन के रहें। एंड या ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। यस, हाँ, बहुत स्लो मोशन में श्रृंगार हो रहा था। एंड बहुत कोशिश करी मैंने इन्हें मंगलसूत्र पहनाने की एक टेक में, बट वो टेक ऐसे था कि कभी कुछ कहीं जा रहा था, कभी कुछ कहीं जा रहा था, तो मंगलसूत्र, कड़े, ये सारी चीज़ें पहनानी थी इन्हें। सो इट वॉज वेरी स्लो मोशन टाइप्स ताकि रोमांटिक लगे। अभी पता चला अगर हमें ये खुद से पहनना होता कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से, तो मैं कभी ना पहनाऊँ या पहनूँ। मेरे को तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी नील आके मुझे मंगलसूत्र पहनाएगा, बट ये नील, मैं समझ चुकी हूँ कि नील कोशिश कर रहा है कि जो उनकी बीजी हैं उनके सामने कुछ गलत ना हो, उनके सामने अच्छा इम्प्रेशन जाए। सो या जी हाँ, ये काफ़ी प्रिटी सा लहंगा है, बहुत ही यूनिक स्टाइल है इसका। मैंने अभी तक इसमें पूरी ज्वेलरी पहनी नहीं है बिकॉज सीन में था। सो या कुछ ना कुछ घमासान आई थिंक होने वाला है, क्योंकि बेबी की एंट्री हो रही है आज, एंड शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस इज़ वेल, जो है काफ़ी पंजाबी हैं, एक्चुअल में पंजाबी, उनका कैरेक्टर भी पंजाबी है। सो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे वाले ट्रैक में आने में। हाँ, बिकॉज जो मेरी मॉम है वो कभी अपना नंबर नहीं बना पाई अपने सास के दिल में, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक अच्छी बहू बनके उन्हें दिखाएं, ताकि उन्हें लगे कि सास ने अच्छी तरह से इन्हें ट्रीट किया है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बिना मन से कर रही हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी इतनी चीज़ें बिगाड़ दी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और कुछ बिगड़े। सो इसीलिए कोशिश कर रही हूँ, पर बिना मन से। खूनी हो तुम, खूनी खूनी।